हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आपके लिए लेके आ गए हैं हम आज नई वीडियो। ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक की बिप टैप है, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अगर लीकेज हो जाए तो आप कैसे इसको रिपेयर करेंगे, और इसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो भी आपको बताएंगे, और ये आपको मार्केट में कितने की मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्लास्टिक की विप टैप है। ये मोस्टली लोग आउटडोर में लगाते हैं। आउटडोर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि आजकल क्या होता है कि तो ये वाली टैप इसलिए लगाते हैं क्योंकि पीतल की जो है, पीतल का रेट ज़्यादा है, तो मोस्टली जो चोर होते हैं वो पीतल की आइट में चुरा लेते हैं, टैप्स हो गई, ये चीज़ें निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि खोलना भी इजी है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, आउटडोर में ये प्लास्टिक की सस्ती वाली लगा देते हैं कि अदरवाइज अगर टूट भी जाए तो नहीं लगा लेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा रेट प्राइस भी नहीं है। ये आपको मार्केट में 50 से 60 रुपये के बीच में मिल जाएगी, तो इसलिए वो ये वाली टैप लगाते हैं। मोस्टली वाटर कूलर हो गए, देखा होगा आपने वाटर कूलर पे लगाए होते हैं, तो जो ये आपने ज़्यादातर देखा होगा कि गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए, उनके बाहर यही लगाते हैं वो, या फिर आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, बस स्टैंड पे देखा होगा, क्योंकि तो आउटडोर है वहाँ पे लोग चीज़ तोड़ देते हैं, इसलिए वो हल्की लगाते हैं कि अदरवाइज टूट भी जाए तो चेंज कर सकते हैं, तो महंगी चीज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ पे। तो इस ये अगर ये लीकेज हो जाए तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसमें कौन कौन से कितने पार्ट लगे हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। तो पहले हम इसका ये ऊपर वाला कैप खोलेंगे, ये कैप इजीली निकल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू ड्राइवर से सिंपली स्क्रू को खोलना है। स्क्रू के साथ ही ये इसका जो है कैप बाहर आ जाएगा, ये हैंडल इसका निकल गया है। तो इसके नीचे इन्होंने ये प्लास्टिक की कार्ट्रेज दी हुई है, तो आप किसी भी स्पैनर हो गया, अगर आपके पास रेंच है तो उससे भी आप इसको खोल सकते हैं। ये ज़्यादा टाइट नहीं होता, इजली खुल जाएगा क्योंकि प्लास्टिक का है, मेटल का खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक की बॉडी है, यहाँ पे इन्होंने बॉडी कभी भी ख़राब नहीं होगी, बट ये प्लास्टिक ही है, इसके अगर हीट उठ जा हीट होगी इसके पास तो ये उसके वजह से गल सकती है। नीचे इन्होंने जाली रखी हुई है कि पानी का जो फ्लो है वो अच्छी तरह से आए, तो ये होल दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ से पानी इनलेट होगा, यहाँ से पानी अंदर जाके आउटलेट होगा। तो ये कार्ट्रिज का काम क्या होता है, अगर बंद करना है तो ये वाली वॉशर है जो आपकी यहाँ पे जाके बैठ जाएगी और पानी बंद हो जाएगा। तो लीकेज कैसे होगा, जब ये चल चल के ज़्यादा चलेगी तो ये वाली जो वॉशर है आगे, ये एक टाइम पे आके फट जाएगी, आपका और कुछ नहीं ख़राब होगा, बस यही वाला पार्ट ख़राब होगा। तो यहाँ पे आप कोई वॉशर रख सकते हैं, ये देखिए ये वॉशर है, ये आपको मार्केट में ये भी मिल जाएगी इजीली। तो आप इसको कनेक्शन वॉशर बोलते हैं, तो ये आप सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख के, या फिर इसको इसके नीचे रख दीजिए, इसके नीचे रख के और इसको ऊपर से टाइट कर दीजिए, कि क्योंकि जो आपकी पुरानी वॉशर है वो तो कट चुकी है, ये वाली वॉशर है जो आपकी, ये वही काम करेगी कि नई वाली वॉशर, मतलब कि पुरानी वाली वो वॉशर फट गई है उसकी जगह ये वाली वॉशर काम करेगी, और इससे क्या होगा आपकी लीकेज बंद हो जाएगी। सिंपली इसको बंद करना है, आपको इसके अंदर का ही बता देता हूँ, कार्ट्रिज के अंदर क्या है, ये नॉर्मली जो ब्रास की कार्ट्रिज आती है उसके जैसी है जो पुरानी आती थी, ये देखिए, अगर अंदर से लीक हो तो आपका ये वाली वॉशर है जो ये कटी होगी, अगर ऊपर से पानी आए तो,
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक वॉशर ये वाली है, एक वॉशर नीचे दी हुई है उन्होंने, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसे आप देख के इजीली घर पे ही अपनी कोई भी टैब ठीक कर सकते हैं। एक वॉशर देखिए उन्होंने नीचे दी हुई है, तो इससे क्या होगा, आप इजीली आप ही खुद ही घर पे ये वाली चीज़ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्लम्बर है जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं आता और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, तो इसलिए ये छोटे छोटे घर के काम है जो आप यहीं से सीख सकते हैं। इसको लगाने के बाद वैसे ही हैंडल को लगा देना है, स्क्रू ड्राइवर से पेच को कस के, ये वाला कैप है जो यहाँ पे, आपकी जो टैप है जो लीकेज 2 रुपये में ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये वॉशर 1-2 रुपये में आपको मिल जाएगी। आपको 50-60 रुपये खर्चने की बजाय आप वॉशर ला के इसमें डाल के लीकेज बंद कर सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। थैंक यू गाइज़।